सोलन में भाजपा नेताओं द्वारा इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मां शूलिनी मेले का भगवाकरण किया जा रहा है। यहां तक कि सोलन में कांग्रेस विधायक को भी मेले के दौरान महत्व नहीं दिया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अमन सेठी और कांग्रेस जिला महासचिव रोहित शर्मा ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के ठेकेदारों द्वारा कार्यकारी अधिकारी का घेराव किया गया वो सही था। पिछले कई माह से उन्हें भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें अपनी लेबर और घर का चलाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विरोध में भाजपा के पदाधिकारी भी शामिल थे। उनको चाहिए कि वे कार्यकारी अधिकारी का घेराव करने की बजाय शूलिनी मेले के शुभारंभ में आ रहे मुख्यमंत्री का घेराव करें और उनसे सोलन नगर परिषद में स्थायी कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करवाएं। कांग्रेस जिला महासचिव रोहित शर्मा ने कहा कि यदि सोलन में सब इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस द्वारा जिला से एकमात्र मंत्री का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल को अनदेखा किया जा रहा है। यहां तक कि शूलिनी मेले में निमंत्रण पत्रों से भी उनका नाम गायब है, जबकि इस निमंत्रण पत्र में दून के विधायक सहित खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष का नाम शामिल किया गया है। जो शूलिनी मेला है वो मेरे लिए तो सोलन की आस्था, सोलन के लोगों की आस्था का जो विषय है वो शूलिनी मेला है, लेकिन जो भाजपा के लोगों ने शूलिनी मेला का भगवाकरण किया है वो उस बात का वो जवाब दे। जो इन्होंने जो निमंत्रण पत्र जो इन्होंने छपवाया है उस पत्र में सोलन के विधायक का नाम नहीं है। उस पत्र में जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह, उनका नाम नहीं है। तो किस प्रकार से हरेक चीज का, हरेक काम करने का, हरेक चीज के कार्य प्रणाली होती है, प्रोटोकॉल होता है, वो कोई भी सरकार हो उसको फॉलो करना ही पड़ता है। जो ये सोलन के जो भाजपा के लोग हैं वे इस ओछी राजनीति से इस प्रकार से ग्रस्त हो चुके हैं जिनको इस डेकोरम का, इस चीज का कोई ख्याल नहीं है। तीसरी जो बात वो है कि सोलन शहर में जो हर रोज के ट्रैफिक प्लान बदल रहे हैं, अगर कोई भी स्थिति खराब होती है जैसे कमेटी की स्थिति, तो हम आने वाले समय हम भाजपा के नेताओं का तथा जो सोलन शहर से, जो सोलन जिला से भाजपा के मंत्री, उनका घेराव करेंगे। इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि जनता के मुद्दों के लिए अगर हमारे को विपक्ष में रहकर लड़ना पड़ेगा, जो कि वो काम है हमारा वो हम करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे।